बॉलीवुड दंगल के सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जी। मेरा नाम अमानो है, मैं टेलीविजन में कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, मैं मेडिटेशन फैसिलिटेटर हूँ ओशो रिजॉर्ट पुणे की तरफ से, और साथ साथ मैं बहुत सारी एक्टिंग वर्कशॉप्स लेता हूँ, थिएटर करता हूँ। मेरा अपना एक्टिंग स्कूल है विच इज़ कॉल्ड मिस्टिक एक्ट्स, तो जहाँ हम थिएटर बहुत रेगुलर करते हैं, बच्चों को वर्कशॉप्स देते हैं, अलग अलग शहरों में जाके हम वर्कशॉप्स करते हैं, स्कूलों के लिए हमने बहुत काम किया। खैर ये बातें तो वो हो गई जो मैं अभी कर रहा हूँ, टेलीविजन में कास्टिंग कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें भी कर ही रहा हूँ। अब जहाँ तक राहुल जी ने पूछा कि भाई आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ, तो हुआ यूँ कि अलीगढ़ एक शहर है जहाँ से मैं हूँ, यूपी में अलीगढ़, हमारे सबसे करीबी जो बड़ा शहर है वो है दिल्ली। अलीगढ़ में रहते हुए हमने थिएटर स्टार्ट किया और वहाँ इप्टा अलीगढ़ सक्रिय थी, वो गांधी की लाठी नाम से एक प्ले करते थे, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कैसे भी इनसे जुड़ जाएं। एक बार उनका नाटक भी देखा, पीछे पड़े रहे, फिर हमें भी रोल मिलने लग गए, तो उन्होंने एक नाटक किया हम भूल ना जाएं उनको, उसके राइटर थे यू के जोशी जी और आलोक शर्मा करके एक लड़के थे, मतलब हमारे सीनियर थे, उन्होंने डायरेक्ट किया था। उस प्ले में मुझे एक किरदार मिला अली शाह जिलानी करके, एक आतंकवादी सरगना, इसका मुझे किरदार मिला, और मुझे इस शिद्दत से उस रोल को करने का अवसर मिला कि मैंने अपनी दाढ़ी बढ़ाई, जो कि रियल दाढ़ी थी, और वहाँ अलीगढ़ में कहा जाता भाई दाढ़ी जो है मुट्ठी से बाहर निकलनी चाहिए, तो इस कदर मैंने अपनी दाढ़ी बढ़ाई, मेरी दाढ़ी मुट्ठी से बाहर निकलती थी और असली मुसलमान लगता था मैं देखने में, क्योंकि मैंने अपनी मूछें साफ कर दी थी, पूरी दाढ़ी शिद्दत से बड़ी होती थी। और मेरी नानी ने अपने घर में घुसना मुझे वर्जित कर दिया था, मतलब मैं नानी के घर में नहीं जा सकता था, मुझसे कहती थी तू मुसलमान का बच्चा हो गया है, तू पागल हो गया है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या क्या करता है उठपटांग, ये दाढ़ी कटा के अब फिर तुझे घुसने दो। तो एक बड़ा अच्छा दौर था जब आप नए थे, आपको चीज़ें पता नहीं थी, यहाँ वहाँ से ढूंढ के भी चीज़ें नहीं मिल पाती क्योंकि इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट था तो साइबर कैफेज में खाली चैटिंग या फिर वीडियो कॉल यहाँ तक सीमित था, मतलब हमें गूगल वगैरह के बारे में इतना नहीं पता था जितना आप सबको पता है, चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिले कहाँ से, वो सोर्स बड़ा टफ था ढूंढना। अलीगढ़ जैसे शहर में जिस लेवल पे हम लोग काम कर रहे थे, जिनसे भी हम पूछते थे कि भाई आगे क्या करें, कहाँ जाएं, किससे मिलें, तो उस ज़्यादातर लोग दिल्ली कह देते थे कि आप सेफर साइड अपना सेफ जोन में जाएं, दिल्ली में ढूंढें, वहाँ बहुत सारे एक्टिंग स्कूल्स हैं, वहाँ थिएटर बहुत अच्छा होता है, या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में ट्राई करें। एक आध बार गए NSD वहाँ का फॉर्म के लिए कोशिश की लेने की, पता चला कि आपने 10 नाटक किए हों तब आप NSD में अप्लाई कर सकते हैं, ये बड़ा एक जुमला था वहाँ के लिए। और हुआ क्या, 1-2-3 नाटक किए होंगे, ये नहीं पता था कि नाटकों का अनुभव भी ज़रूरी है, किसके साथ किए हैं नाटक, उनके लेटर लग जाते हैं, कुछ पुराने लोग जो NSD से पास आउट हैं उनकी वर्कशॉप्स करने को मिल जाएं तो चीज़ें पता लग जाती हैं, तो अब तो खैर काफ़ी चीज़ें फैल गई हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो ढूंढ ढांड के अलीगढ़ लेवल पे नाटक करते रहे 4-5-6 साल 8 साल 7 साल, शिद्दत के साथ लगे रहे, बहुत मज़ा आया, अलग लाइफ थी, कमाई का प्रेशर नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत था जो फिजूल के खर्चे होते थे थिएटर के या घूमने के, तो वो अपनी जेब से कहीं ना कहीं जुटाने पड़ते थे। मुझे ध्यान है मैं तेजाब का काम करता था, तेजाब मतलब जो आप फ्लश में टॉयलेट में तेजाब यूज़ करते हैं, उसका बड़ा कंटेनर हमारे एक रिश्तेदार हैं फूफा जी उनका होता था, तो वो 40 लीटर की केन में भर के देते थे, हम उनको छोटी छोटी बॉटल में मैं रिफिल करता था, हॉस्पिटल से जाके वो बॉटल ख़रीद के लाता था, फिर तो उसका ब्रांड बना के अलग अलग दुकानों पर सप्लाई करता था, वहाँ दुकानों पर बताता था कि मेरे कारीगर हैं जो काम कर रहे हैं, बल्कि मैं खुद ही करता था सारे काम, फिलिंग भी खुद करता था, बेचता भी खुद ही था, पैसे भी खुद ही लाता था, तो वो पैसे कमाने का चस्का वहाँ से लग गया कि यार खुद का होना चाहिए। तो उस समय मुश्किल से 700-800 हज़ार रुपये मिलते थे महीने के घर से, लगभग इतने ही हम उस तेज़ाब को बेच के कमा लेते थे, तो अपने आप बड़ा रईस फील करते थे कि 2-2.5 हज़ार रुपये हैं हमारे पास हर महीने। तो वो एक अच्छा सफ़र था। फिर होते होते अलीगढ़ में पता चला कि मिस्टर यूपी कॉन्टेस्ट हो रहा है। मिस्टर यूपी सुन के लगता था कि यार यूपी में जो सबसे सुंदर या सबसे हुष्ट पुष्ट लड़का होगा या जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड होगा उसको चुना जाएगा, ऐसा कुछ अच्छा उस तरह से थे नहीं, बड़े स्लिम ट्रिम और देखने में लगता था अरे कैसे ये क्या सोच रहे हैं, ख्वाब बड़े बड़े हैं, करते कुछ है नहीं।
पता ही नहीं था चीज़ों के बारे में। जिम विम गए एक आधी बार और डर डरू के आ गए कि यार इतने भारी वजन, हम पतले दुबले, पहले खाना ही खा लें ढंग से। खैर स्पोर्ट्स में रहे जितना रह सकते थे अलीगढ़ में रहते हुए। पहले के शहर और अब के शहरों में बहुत फ़र्क आ गया। पहले आप ऐसी कोई भी चीज़ करने के लिए घर से या रिश्तेदारों से कहते तो केवल आपको कोई सपोर्ट करने को राज़ी नहीं होता। हाँ ये बात अलग है कि मेरे मम्मी पापा ने दोनों ने काफ़ी सपोर्ट किया और उस वजह से आज तक जो हम कर पा रहे हैं कर रहे हैं, उनका बड़ा अच्छा रहा, सपोर्ट रहा। क्या मिस्टर यूपी में फॉर्म भरा उसका, आगरा में मेरे ख्याल से फर्स्ट राउंड हुआ, 300-400 बच्चे और हर हर शहर से 15-20 लड़के लड़कियाँ, एक से एक लोग आए हुए थे, शरीर अच्छे खासे और लड़कियाँ भी उस वक्त के लिहाज से बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ लगती थी। अरे यार ये तो बड़ी कमाल है। होते 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 छटते 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 50 लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया जिसमें हम आ गए कैसे करके। उन्होंने कुछ एक्टिंग का करने को बोला, कुछ और चीज़ें थी, 4-5 अलग अलग चीज़ें थी, तो वो फर्स्ट राउंड पता नहीं कैसे क्लियर हो गया। फिर एक 3 दिन की वर्कशॉप उन्होंने वहीं आगरा में रखी, जिसको लेने के लिए आशा चंद्रा जी यहाँ से गई थी, सुखविंदर करके जो सिंगर थे उस वक्त, अभी भी खैर अच्छे नाम है उनका, अच्छा नाम है, तो वो थे और भी कुछ लोग थे। तो अलग अलग कैटेगरीज बना के उन्होंने इन लोगों को जजेस के तौर पे, इन लोगों को एक मेंटोर के तौर पे रखा और हमको 3 दिन की अलग अलग चीज़ों के ऊपर वर्कशॉप दी। उस वर्कशॉप के बाद फाइनल राउंड वहीं हुआ और उसमें से 20 बच्चे सेलेक्ट हुए, उसमें भी हमारा नंबर आ गया। थोड़ी एक्टिंग का जो कीड़ा था वो इस कदर था कि मेथड एक्टिंग पता नहीं थी होती क्या है, लेकिन वही उसी तरीके से करते थे, इस पागलपन के हद से ज़्यादा करते थे। कुछ होना हो एक्टिंग होनी चाहिए, कुछ होना हो थिएटर होना चाहिए, वहाँ क्या है कैसे है वो सब बाद में देखा जाएगा। तो भूख भी नहीं लगती थी, किसी और चीज़ की फिक्र नहीं होती थी। टॉप 20 लोगों का आगरा में हॉलीडे इन में इन्होंने कॉन्सर्ट रखा, जो ताज होटल के बड़े करीब है, ताज महल के बड़े करीब है। तो पीछे ताज महल है, हम लोग एक लाइव स्टेज में परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी अपनी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ऑडियंस है, देख रही है, तमाम छोटे छोटे चैनल्स वहाँ हैं जो आए हुए हैं, अखबार वाले आए हुए हैं, मीडिया है। मैं आप भी बहुत बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था। उस जगह मुझे मिस्टर टैलेंटेड का अवार्ड मिला, जो टाइटल था, टॉप 7 में मैं आया। तो टॉप 7 में आना भी ऐसा लग रहा था यार पता नहीं क्या जंग जीत ली, बड़ी बहुत बड़ी चीज़ कुछ हो गई जी। मिस्टर यूपी का एक टाइटल, एक खिताब जिसको भी मिला, खैर वो उस बंदे को मैं अभी भी जानता हूँ, वो अभी भी मिलता है, बॉम्बे में ही है, एक्टिंग में स्ट्रगल करता रहता है, मिलता रहता है, अच्छा लगा। लेकिन उस किताब की वजह से एक पुश मिल गया कि यार तो जो चीज़ तुम कर रहे हो, जो चीज़ें वो करते रहो, कुछ ना कुछ होना ज़रूर है। फिर रुख किया दिल्ली की तरफ कि अब पापा से कहा कि भाई अब कुछ करवाइए मुझे, ग्रेजुएशन लगभग करीब होने वाली है, कंप्लीट कंप्लीशन के करीब है। तो फिर उन्होंने दिल्ली में पता किया, एक एकेडमी थी इंडियन फिल्म्स एंड थिएटर एकेडमी, रॉबिन बत्रा हमारे डायरेक्टर होते थे, तो वहाँ 1 साल का एक्टिंग और डायरेक्शन का डिप्लोमा मैंने किया। बहुत बहुत मेहनत, मेहनत मतलब आने जाने की तो मेहनत थी, स्ट्रगल था वो, तो सुबह 5:40 की ट्रेन, फिर 6:10 की ट्रेन, फिर 6:40 की ट्रेन, ये 3 ट्रेनें होती थी, जो ट्रेन आप मिस करते चले गए उतना आप लेट पहुँचोगे। हमारे टीचर थे वो जितने मिनट आप लेट आओ उतने रुपये आपसे फ़ाइन लेते थे। तो फ़ाइन के नाम से पैसे होते ही नहीं थे, आप कैसे भी करके नींद में ही जाकर ट्रेन में बैठ जाते थे कि उसमें सो जाएंगे। वो ट्रेनें जैसी यहाँ आप लोकल ट्रेन देखते हो लगभग ऐसी ट्रेनों जैसी ही होती हैं, वहाँ गुजर होते हैं, जाट होते हैं, जो दूधिए होते हैं, वो दूध की बाल्टियाँ ले लेके चढ़ते हैं, गिरा देते हैं आपको, बदतमीजी करते हैं, मारते हैं, उनकी सीट रिजर्व होती है उस लोकल ट्रेन में भी कि उस जगह आके वो लोग बैठेंगे। बहुत सारे स्टेशन हैं, दादरी है और तमाम है, बहुत बदमाश तरह के लोग होते थे उस वक्त। तो खैर कुछ अलीगढ़ के भी लोग होते थे और जब हम रोज़ जाने लग गए तो उनसे जान पहचान बन गई, तो एक सेफ सिक्योर जोन में हम लोग दिल्ली जाने लगे। 5 बजे 5:30 बजे घर से निकले, 10 बजे की क्लास होती थी दिल्ली में, वो क्लास अटेंड की, वो क्लास छूटी 5 बजे शाम को, फिर 6:20 की 6:40 की ट्रेनें होती थी, वो पकड़ के रात के 10 बजे तक घर। उस 5-6 घंटे की क्लास के लिए
12 14 16 घंटे आप निकालते थे ट्रेनों में, वही कुछ शिद्दत थी, वो जुनून था, इस वजह से हो पाया, वरना बड़ा टफ था होना। धीरे धीरे फिर दिल्ली और आसपास के रिश्तेदार टटोले गए, बुआ रहती थी हमारी, अभी भी रहती हैं गाजियाबाद में, उनके घर भी काफी दिन रहा मैं, वो लोग भी सोचते थे क्या पागलपंती कर रहा है, क्या होगा इसका। दूरदर्शन, दिल्ली दूरदर्शन के पास रेडियो स्टेशन होता था आकाशवाणी, वहाँ आवाज़ का टेस्ट एक बार होता था, तो मुझे ध्यान है कि उसके लिए मैं गया और छोटा सा फॉर्म था वो भरा, फिर मैं कॉल आया, उन्होंने बुलाया एक ऑडिशन के लिए, वॉइस ऑडिशन के लिए। तो वो पहला लेटर था जो सरकारी तरीके से या जो किसी कॉरपोरेट तरीके से घर पे गाज़ियाबाद का एड्रेस दिया कि अलीगढ़ का दें तो पता नहीं ये भेजें या ना भेजें, लोकल ढूंढते होंगे शायद। तो हुआ ने बोला भाई तेरा तो वो आकाशवाणी से कोई लेटर आया, तो बड़ा खुश हो गए कि अरे पता नहीं क्या आया है। तो उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया था, उस ऑडिशन में सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन हमारा ऑडिशन का राउंड बड़ा लंबा चला, जो जाने बाकी लोगों को 5-7, 7-7, 8-8 मिनट में वो मना कर देते थे, एक 40 मिनट तक चलता रहा लगभग। तो मुझसे पूछा बाकी लोग ना भाई इतनी देर क्या कर रहे थे, तो मुझे तमाम तरीके की स्क्रिप्ट्स दी गई और उस पर परफॉर्म करने के लिए वॉइस के लेवल पे बोला गया कि ऐसे करो वैसे करो, कान में वो लगाया हुआ था आपके हेडफोन, सामने वो लोग बैठे हुए थे, तो वो एक्सपीरियंस भी पहली बार था। स्क्रिप्ट पे अब आप 2-2.5-4-3-4 घंटे से लाइन में लगे हुए हो, गर्मी है, सब है, भूखे हो, अलीगढ़ से आए हो, उस वक्त शायद गाजियाबाद से गया था मैं, तो थोड़ा चिड़चिड़ापन था स्वभाव में, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा था वॉइस में, मुझे ऐसा लगा बाद में, इसकी वजह से उसमें शायद नहीं हुआ उस वक्त, और अच्छा ही नहीं हुआ, होता तो शायद मैं दिल्ली में वहीं कहीं जॉब कर रहा होता आकाशवाणी में। लेकिन इंटरव्यू जो सज्जन ले रहे थे वो बाद में भी मुझसे मिले, बोले तुम थोड़ा रियाज करो, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, इसका फिर निकलेंगे फॉर्म, फिर तुम भरना, रेस्ट करो घर जाके, ऐसा कुछ तो भी उन्होंने बोला था। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अच्छे लोग भी हैं जो आपको सलाहें देते हैं। खैर वो सफ़र वहीं शायद होना था वहीं ख़त्म, समहाउ कोर्स कंप्लीशन के बाद पापा के साथ पुणे आए हम, ओशो आश्रम में रुके, और वहाँ से ये हुआ कि बॉम्बे चलेंगे, बॉम्बे पापा मुझे छोड़ के गए, लोखंडवाला में एक बाया वाया रिश्तेदार निकले, उनका बच्चा था, वो पेइंग गेस्ट चलाता था, उसके यहाँ रुके हम, 10,000 रुपये महीना लेता था उस वक्त इंक्लूडिंग फूड। बड़ा अलग सफ़र था, होते होते फिर अलग अलग जर्नी तब से स्टार्ट हुई। जी राहुल जी ने मुझसे पूछा कि आपका बम्बई के सफ़र के बारे में आप कुछ बताएं, कैसे क्या आपके अनुभव रहे, कैसे आपने शुरू किया, कैसे जीवन आगे बढ़ा। मुझे ध्यान पड़ता है जब नए नए बॉम्बे आए थे, ना किसी को जानते थे ना हमें कोई जानता था, मतलब हम तो बहुतों को जानते थे, ये बात अलग है वो लोग हमें नहीं जानते थे। तो इप्टा की एक बुक आती थी जिसमें इप्टा के जो सांस्कृतिक प्रोग्राम बॉम्बे के कलाकारों द्वारा देश के अलग अलग शहरों में किए जाते थे उसकी कुछ झलकियाँ होती थी, उसमें से चेहरे पढ़ लेते थे, अरे ये वो है ये वो है, इससे जाके मिलेंगे, तो लोगों के नंबर्स निकाल निकाल के आए, हाँ किसी को कॉल नहीं किया यहाँ पर आकर, और लोकल छोटे छोटे लेवल पे अननेसेसरी लोगों से जाके मिलना, फ़ोटोज़ बांटना, उस वक्त फ़ोटो मेरे ख्याल में 5-6 रुपए की 7 रुपए की एक कॉपी होती थी, अब 10 कॉपी का भाव आप तो 50-60-100 रुपए खर्च हो जाते थे, फिर वो अलग अलग जगह प्रोडक्शन हाउसेज बांटना, कोई भी आपकी 4-5 कॉपी ले लेता था तो लगता था अरे 50-60 रुपए तो उसने हमसे ऐसे ही ले लिए, जितनी कॉपी उसने ली, फिर वहाँ से कॉल एक्सपेक्ट करते थे वो आते नहीं थे, कई बार आते भी थे, बहुत रेयरेस्ट कॉल आते थे, आप 300-400 फोटो हम बांट चुके थे और शायद उससे भी ज़्यादा, तो हर फोटो कोई ले रहा है तो लग रहा है कि आपकी जेब से 7 रुपये ले रहा है, वो फोटो वाला स्ट्रगल बड़ा टफ था। अब तो बड़ा आसान है, ईमेल के जरिए आप फ्री में चीज़ें कहीं भी कैसे भी भेज सकते हो, व्हाट्सएप के जरिए, और कैसे किसके पास जाओ, कहाँ मिलो, कैसे लोगों के बारे में पता चले, उस तरह के अड्डे भी नहीं होते थे, चाय की टिपरियाँ जो होती हैं तो खैर तमाम है, तब भी होती थी लेकिन उस तरह से नहीं थी, ये थी कि पृथ्वी थिएटर चले जाओ, तो पृथ्वी थिएटर जाके बैठे रहते थे, 100-200 रुपए की जो टिकट्स होती थी उतने पैसे से सोचते थे खाना घर चल जाएगा, तो प्ले भी नहीं देखने जाते थे, फ्री में कोई एंट्री है तो घुस जाते थे, वरना बैठे रहते थे लोगों को देखते रहते थे, अरे सत्यदेव दुबे सर बैठे हैं, मकरंद देशपांडे बैठे हैं, नसीर साहब आ रहे हैं, ऐसा वैसा, बड़ा अच्छा लगता था, वो माहौल ही ऐसा लगता था कि अरे पता नहीं कौन सी जगह है, तो थी भी
पृथ्वी थिएटर में सालाना फेस्टिवल होता है जिसके लिए वॉलंटियर्स चुने जाते हैं, और वो उन वॉलंटियर्स का काम होता है पृथ्वी की तमाम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हुए, पृथ्वी में जो भी प्लेज हो रहे हैं उसके कोऑर्डिनेशन में पृथ्वी की हेल्प करना, सपोर्ट करना, उनके काम करना, शिरकत करना पूरे ढंग से, लगना, सीखना, समझना। वो वॉलंटियरशिप की मैंने शायद सन 2006 में मेरे ख्याल से की थी। उस समय के काफी दोस्त हैं जो अभी भी हैं यहाँ और साथ में हैं, काम कर रहे हैं। रणवीर सिंह जो हैं वो हमारे काफी बाद आए थे पृथ्वी में वॉलंटियरशिप के लिए, जितने बड़े सितारे हैं इस वक्त। तो वो वॉलंटियरशिप से बड़ा सीखने को मिला। आप 40 दिन 30 दिन 30-40 दिन की बात है, एक महीना लगभग हम पूरे ढंग से लगे रहे, बहुत सारे प्लेस देखने को मिले, बहुत सारे डायरेक्टर्स से मिले, जिन लोगों को देखते रहते थे दूर दूर से, उन लोगों से बातचीत करने को मौका मिला। कई बार वो हमसे जिस जगह पे हम होते थे उस जगह की वैल्यू को लेते हुए वो हमसे चीज़ें करवाते थे, या हमसे पूछते थे ये कहाँ है वो कहाँ है, टिकट्स के लिए कहते थे मिल जाएंगी कि नहीं तुम दिलवाओ। बड़ा अच्छा लगता था कि अरे हम अच्छी जगह अच्छे लोगों के साथ जुड़ गए। संजना कपूर मैम होती थी उस वक्त, शशि कपूर साहब होते थे, लोगों को देखना, इनसे बात करना, और संजना मैम के अंडर में ही हम लोगों ने तमाम सारी चीज़ें की। तो वो एक अच्छा अनुभव था। मुझे ध्यान है 2005 में मैं शायद आया था, फिर कुछ वक्त घर चला गया था, फिर पृथ्वी 2006 में शुरू हुआ था, लेकिन उसके बीच में मैंने किसी एकाध फिल्म में छोटा मोटा कोई रोल कर लिया था। तो जो वॉलंटियर्स थे बाकी, उनकी नज़रों में मैं ये था कि अरे ये तो टीवी में काम करता है या ये फिल्मों में काम करता है, तो काम करता है क्या, एक दो दिन का कोई ऐसा कुछ कर लिया था, याद नहीं है क्या किया था। वो एक अलग पुश देता था आपको कि यार आपको थोड़ा बहुत आता है, हमने थोड़ा बहुत किया है, बाकी लोगों में आपकी वैल्यू भी थोड़ी आपको अलग लगती थी, और आपको ही नहीं दूसरों को भी लगती थी, तवज्जो सी मिलती थी। 40 लोग थे तो ये 4 लोग अलग हैं भाई। तो NCPA में मेजर फॉर मेजर करके एक प्ले आया जिसमें साइमन मैकबर्नी एक लंदन के डायरेक्टर हैं, वो अपना प्ले लेके आए, शेक्सपियर का प्ले था। तो हम 4-5 लोग जो थोड़े से अपग्रेडेड उनको लगते थे, उनको उन्होंने वहाँ उनके साथ लगाया, अंग्रेज़ों के साथ। तो वो 4 दिन बड़े बहुत कामयाब सिद्ध हुए आगे की जीवन को बिजी करने के लिए। अंग्रेज़ों के साथ 4 दिन हम रहे, मेजर फॉर मेजर प्ले था, उनके पूरे कार्य पद्धति को हमने बहुत करीब से देखा, उनके साथ रिहर्सल्स जब होती थी तब भी हम आगे पीछे होते थे, परफॉर्मेंसेज में हम उनके साथ होते थे, सुबह से लेकर देर रात तक उन्हीं के साथ होते थे सारी एक्टिविटीज़ में। वहाँ बहुत कुछ सीखा उस वक्त, कई बार एक दिन भी आपको बहुत कुछ सिखा देता है। वहाँ से चेंजेस आने शुरू हुए, थोड़ा थिएटर पता चला, बॉम्बे पता चला, फिर एक दोस्त हैं अभिषेक पांडे, वो एक जगह मिले, एक ग्रुप में हम लोग प्ले कर रहे थे, शन्नो सिकंदर मिर्ज़ा करके एक राइटर डायरेक्टर होते थे उस वक्त, शन्नो प्ले की रिहर्सल्स थी, अभिषेक पांडे पृथ्वी से कहीं से टकरा गए थे, रिहर्सल्स को शुरू हुई, उसमें एक रोल मिला, उसके प्लेज हुए तमाम, फिर होते चले गए प्लेज, फिर और लोग मिले, फिर उनके साथ प्ले किए, फिर बाजी के साथ जो आपके एकजुट थिएटर है उनके भी कुछ प्लेज में काम करने का मौका मिला। वो दोस्त अभी भी हैं, अकबर भाई और अनीप पटनी साहब, ये सब उस वक्त के लोग हैं, 12 साल मेरे ख्याल में, उनके साथ भी कुछ प्लेज किए। आउटसाइडर होके भी हमें लोग एकजुट का ही समझते थे, और हैं अभी जब उनके साथ काम किया लंबे टाइम तक, तो लंबा टाइम मतलब 6-8 महीने, कुछ कॉम्पिटिशन्स थे उसके लिए प्लेस किए, जुड़े रहे, बहुत ज़्यादा रूबरू नहीं हो पाए बाजू से, लेकिन उनके नाटकों में शिरकत करते रहे अलग अलग लेवल पे, या उनसे जुड़े लोगों के नाटकों में, ऐसा कहें। नाटक के ज़रिए आपको थोड़ी थोड़ी पहचान मिलनी शुरू हुई, थोड़े दोस्त मिलने शुरू हुए, थोड़ा काम मिलना भी शुरू हुआ, टीवी फिल्मों में रोल्स या फिर असिस्टेंट्स के लिए भी ट्राई किया। मज़ा नहीं आया कि असिस्टेंट वगैरह करो या कुछ और करो, मैंने कहा एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग ही करेंगे। छोटा छोटा बहुत सारा होता रहा। एक दोस्त हैं वो कास्टिंग करते थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम कंप्यूटर वगैरह जानते हो, तुम
मेरे साथ कास्टिंग में मेरी हेल्प करो कंप्यूटर्स के जरिए। वहाँ से फिर एक अलग टर्न लिया लाइफ ने, पैसों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। कास्टिंग में कहीं ना कहीं ये था यार इसका बड़ा अच्छा है और मेरा भी अच्छा हो जाएगा, और नियत समय पे नियत पैसा आपको आता रहे। बीच की काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने अभी नहीं बताई, स्ट्रगल किसी को क्या बताना, स्ट्रगल तो है ही सबका है। फिर कास्टिंग स्टार्ट हुई, फिर टीवी शोज शुरू हुए, ये रिश्ता क्या कहलाता है, विदाई, ये राजन शाही के साथ के शो थे, उन्होंने अपनी कंपनी में लिया मुझे। सैलरी बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ने लगी, बड़ा मज़ा आता था। कह रहे अभी तो इतने थे, अभी 10,000 रुपये बढ़ गए सीधे, फिर 10,000 रुपये बढ़ गए सीधे। लेकिन एक समय आया फिर पैसे बढ़ने बंद हो, फिर मूड हुआ यार अब कहीं और किसी और कंपनी में देखते हैं, कुछ और ढूंढते हैं। फिर था कि जॉब नहीं करनी, फिर थिएटर ग्रुप फॉर्म हुआ अपना, कुछ लिखे भी, नाटक लिखे, कुछ शॉर्ट फिल्म्स लिखी, कुछ को अवार्ड भी मिले। अलग अलग सफ़र चलता रहा, अभी भी चल रहा है। इसमें बहुत कुछ है बताने को, 10 साल का मैं क्या चीज़ें कहाँ से शेयर करूँ। जी, राहुल जी ने पूछा मुझसे कि आप ध्यान करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप वर्कशॉप्स लेते हैं बच्चों की, बड़ों की, ट्रेन करते हैं एक्टर्स को, अभिनय सिखाते हैं, तमाम तरह की ऐसी चीज़ें करते हैं, तो उस बारे में कुछ चीज़ें शेयर करें। मेरा अपना अनुभव जो है, जितनी भी मैंने जिंदगी जी है, उसकी चीज़ों में मैं जितने होश के साथ जी पाया वो मेरे अपने अनुभव हैं। जब बेहोशी रही तो वो गायब हो गए अनुभव। तो होश की उस चीज़ों से सीखी गई चीज़ों को मैं शेयर करता हूँ। जब आप वास्तव में किसी चीज़ से, ज़िंदगी से जुड़े हैं, किसी बात से बहुत गहरे में जुड़े हैं, वो आप शेयर कर रहे हैं तो वो टच कर जाती है। जब आपकी सच्चाई दूसरे की सच्चाई से टकरा जाती है तब पता चलता है कि ये सच है या ये बन के बोली जा रही है चीज। तो वो अनुभव शेयर करना है एक्टिंग। आप अपने अनुभव या उस कैरेक्टर के अनुभव उसकी जबान में शेयर करते हो जैसे उसकी जरूरत है उस वक्त। तो खुद को खाली करना और दूसरे को खुद में आने देना, फिर उसकी सोच समझ के साथ चीज़ें करना, बहुत बेसिक तरीके से चीज़ें समझी और सीखी जा सकती हैं, वही तरीका है उसको करने। और मज़े इसमें यह है, मज़ा कि आप जब भी फील करते हो कि कहीं फंस रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो जो भी गुरुओं का साथ मिलता जाता है उस समय बिल्कुल बच्चे होके उनसे सीखना शुरू कर दो, वो मैं बहुत करता हूँ। एकदम छोटे हो जाओ, आपको कुछ नहीं आता, जो आपने सीखा जाना वो ठीक है, अब जो चल रहा है उस पर ध्यान दो। तो वहाँ से फिर वो जर्नी हमेशा चलती रहती है, बहती रहती है, रुकता नहीं है मामला कभी भी, रेगुलर चल रहा है, बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। रहा कास्टिंग का सवाल जो इन्होंने पूछा कि कास्टिंग आप करते रहे, उसके अनुभव शेयर करें, मुझे जहाँ तक ध्यान पड़ता है बॉम्बे में तकरीबन मैंने 25 के आसपास टेलीविज़न सीरियल्स कास्ट किए अभी तक, शायद उससे ज़्यादा, 25 मुझे याद होंगे, जिसमें से जो सबसे बढ़िया नाटक टीवी सीरियल्स आपने देखे या चलते रहे वो ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो निमकी मुखिया चल रहा है, वो मेरे साईं चल रहा है, वो ये वो हैं जो चल रहे हैं अभी, बंद हो गए उसमें विदाई है, फिर और प्यार हो गया है, सूर्यपुत्र कर्ण है, तमाम है, होता चला गया, करते चले गए, जो मिलता चला गया, तमाम एक्टर्स जुड़े रहे, अभी भी जुड़े हुए हैं। वो जिंदगी बनाने जैसा, लोग कहते हैं कि आपने तमाम लोगों की जिंदगी बना दी, भाई हमने क्या बना दी, जिसने जिंदगी बनानी थी उसने हमें यूज कर लिया, उनकी जिंदगी बन गई, हमारी भी जिंदगी बन गई। मतलब हमने अपने साथ के बहुत सारे लोगों को खराब होते भी देखा, अलग अलग शौकों में वो पड़ गए, वो अलग अलग तरीकों से पैसे कमाने लगे, वो सब करने से अच्छा था हम घर वापस चले जाते जो हमने नहीं किया। अपनी ज़रूरतें थोड़ी कम रखी, अपने शौक थोड़े कम रखे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही गरीबी में गुर्बत में दिन गुजारे,
बहुत मज़े से रहे, अच्छा खाया, अच्छा पहना, खूब घूमे, खूब दोस्त बनाए। अभी बहुत सारे हैं, बात लगभग हर देश में मेरे तमाम दोस्त हैं, पूरे विश्व में, हर देश में। तो रहने खाने की टेंशन पूरे देश में, पूरे दुनिया में नहीं है। जहाँ मर्जी चले जाओ वहाँ कोई ना कोई दोस्त ज़रूर होगा। बांटते रहे, मिलता रहा, फिर बांटते रहे, फिर मिलता रहा, खाली किया, फिर भर गया, फिर खाली किया, फिर भर गया। तो ये मैं स्पिरिचुअल बातों को कहीं ना कहीं एक्टिंग या अभिनय इस सफर से कनेक्ट कर रहा हूँ। यही सब है। अभी भी कर रहा हूँ, एक स्टार भारत का नया सीरियल है, तो वो हमेशा चलता रहता है। अब जब करना चाहो तब यहाँ काम है। तो आप उतना ही कर सकते हो जितना आप कर सकते हो। और 10 काम ले लो, 10 काम खराब कर दो, उससे अच्छा एक काम लो, उसको ठीक से करो, हो जाए फिर दूसरा लो, फिर दूसरा ठीक से करो। इतने पैसे कमा के भी क्या करना है, पागल हो जाओ रात तक, या रोज़ दारू पीनी पड़े, या रोज़ गांजा मारना पड़े। बेटर भैया अपना पीस भी बना रहे, अपना सुकून भी बना रहे, थोड़े बहुत पैसे भी कमाओगे, घर से ही ना निकाल दिए जाओ तो भी अच्छा है। सब हो रहा है, वर्कशॉप चल रही है अपनी, थिएटर चल रहा है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, मैं भी उन सबको इज्जत देता हूँ। इंडिविजुअल है इज्जत देना मिलना, काम मिलना देना, वो सब चल रहा है भाई। बीच में उठी बात की भाई आप जो ध्यान करते हैं, तो मेडिटेशन क्या है, एक स्टेट ऑफ द माइंड है, एक मन की अवस्था है। आप भीड़ में भी उस अवस्था में हो सकते हैं और आप अकेले में भी उस अवस्था में नहीं हो सकते। आप अपने माइंड को इस तरह से कंडीशन कर लेते हो कि मुझे पीस चाहिए, तो वो फिर आप पीस को कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हो, आप अपना सुकून बचा ले जाते हो, आप खुद को ख़राब होने से रोक देते हो खुद को। जहाँ वो सुकून छिन रहा होता है, वो किसी भी रीज़न से हो रहा हो, तो उन चीज़ों को अवॉइड करते चले जाते हो। तो वही ध्यान है, किसी भी चीज़ में शिद्दत से जुड़े हुए हो, अच्छे से कर रहे हो, खुद को आपने बचाया हुआ है। बचाया हुआ मतलब लोग आपको ख़राब करने में आमादा है ऐसा नहीं है, लेकिन आप खुद से खुद ही की बातों में मुतमई नहीं हो, खुद से खुद ही की बातों में राज़ी नहीं हो, फिर भी आप कर रहे हो, तो मैं वो नहीं करता। मैं अगर अपने से राज़ी हूँ तो मैं करता हूँ, अपने से राज़ी हूँ तो मैं कतई नहीं करता। सबने अपने अपने अलग अलग फ़लसफे सेट किए हुए हैं जीवन के, मेरे भी छोटे छोटे हैं, उससे मज़ा आता है। हाँ मैं बाँटता बहुत, जी भर के मैं जो मेरे पास है उससे ज़्यादा दे देता हूँ। वो भी एक नेचर है, उसकी वजह से बहुत बार गलतियाँ भी हुई हैं, लेकिन उन गलतियों से भी मुझे मज़ा आता है यार। ठीक है कोई बात नहीं, देने वाले ने इतना दिया है, हमारी क्या औकात है, हम क्या देंगे किसी को कुछ। फिर तमाम बातें, तमाम किस्से कि जब मान लो किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और सोचते हैं यार जो सुपर पावर है, जो एक्सट्रीम है, जिसको हम परमात्मा अल्लाह जो भी कहते हैं, वो भी तो बर्दाश्त कर रहा है इसे, तुम्हारी क्या औकात है, तुम भी बर्दाश्त करो, ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। इस लाइन को कहना और इस लाइन को अपनी ज़िंदगी में अमल में लाना बड़ा टफ, बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप पढ़ने देते हो तो, नहीं पढ़ने देते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बातें अलग जा रही है, लेकिन ठीक है जी। राहुल जी का एक सवाल है कि आप जो नए लोग बम्बई शहर में आ रहे हैं अलग अलग शहरों से, तो उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे या उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो मेरा जो अनुभव है वही मैं शेयर करूंगा। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं तो एक 5-1 हज़ार एक्टर्स को मैं जानता हूँ, शायद उससे ज़्यादा मेरे पास नंबर है, लेकिन मैं उतने लोगों को तो जानता ही हूँ। मैं 5,000 की बात कर रहा हूँ। एक्टर्स मतलब वही तमाम लोग जिनको आप टेलीविज़न में, फिल्मों में, एड्स में देखते हैं, तो तकरीबन इतने लोगों को मैं जानता हूँ। उससे कहीं ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं, तो जानना न जानना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग अपने अपने शहरों से आते हैं कॉन्टैक्ट्स लेके, फलाने मुझे जानते हैं या मेरे फादर को जानते हैं, वो जानना
फर्क पड़ता है कि आपको एक स्टैंड मिल जाता है, आपको एक जगह मिल जाती है, यहां खड़े होके तुम अपनी बात कहो। कई लोगों को वो जगह भी नहीं मिल पाती, लेकिन आपके पास कुछ कहने के लिए होना चाहिए, आपके पास दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए, आपके पास कुछ हुनर होना चाहिए। हुनर को क्रिएट किया जा सकता है, हुनर है तो उसको बढ़ाया जा सकता है। हुनर है ही नहीं, केवल आप जुगाड़े लेके, आप कॉन्टैक्ट्स लेके अलग अलग शहरों से आते हैं कि फलाने डायरेक्टर मुझे जानते हैं। जैसे मेरे पास भी तमाम रिश्तेदारों के बच्चे, दोस्तों के बच्चे, आज भी एक बच्चा आया था पुणे से, मेरे एक दोस्त का भतीजा है, कि भाई इसका देखो कुछ हो जाता। ये देखा लोग बहुत जल्दबाजी में हैं, लोग सीखना नहीं चाहते, लोगों को लगता है उन्हें सब आता है। मैं नई जनरेशन की बात कर रहा हूं। सुल्ताना परवीन एक सिंगर है, पद्मश्री हैं वो, उनका एक कॉन्सर्ट में देख रहा था, लाइव कॉन्सर्ट। मेरे हिसाब से लगभग वो 40 साल से गा रही है। सुल्ताना परवीन ने बोला कि गाना गाते में उस गायकी के बीच बीच में वो बातें कर रही थी, बड़ा मजा आ रहा था बातें सुन के। तो कहती अब इतने सालों में शायद सा जो है वो पकड़ में आने लग गया है, सरगम का सा जो है वो अब शायद पकड़ में आने लग गया है। तो सोचे कि उस लेवल की अदाकारा जो इतने सालों से गा रही है, जिसके पास पद्मश्री जैसा अवार्ड है, और वो कहती है कि सा शायद मेरे पकड़ में आने लग गया है, किस शिद्दत से जुड़े रह के कुछ मिलता है। हमें लगता है हमें सब आता है, हमने कुछ जाना सीखा समझा देखा कुछ नहीं, हमें लगता है हमें सब आता है। वो बड़ी खराब स्टेट है। या आप उनसे कुछ कहो या पूछो, तो वो मोबाइलों के जरिए तुरंत सवालों के साथ तैयार रहता है। अपना अनुभव कुछ नहीं है, ना अनुभव लेना चाहते हैं, ना पूछना चाहते हैं, हाँ बताना सब चाहते हैं, उनके पास हर चीज़ का आंसर है। तो बड़ी खराब स्टेट है। ऐसे बच्चे या इस तरह की पीढ़ी या इस तरह के लोग मैंने बड़ी जल्दी खराब होते हुए देखे। बहुत लंबे वक्त तक चीज़ें करते हैं और होता कुछ नहीं, फिर वो नशों के शिकार होते हैं, या वो उन चीज़ों को करने लग जाते हैं जिनके लिए नहीं आए थे वो, फिर घर वालों से पैसा उल्टा सीधा डिमांड करने लग जाते हैं, या करते रहते हैं लगातार, फिर 4-5 साल 6 साल 8 साल खराब करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, और कहाँ चले जाते हैं पता नहीं। या बड़ी मुश्किल से चीज़ें होती हैं, बड़ी मुश्किल से कमाई जाती है वो, मतलब हराम का पैसा हो या वो मेहनत से कमाया गया पैसा हो, पैसा पैसा है। ऐसे ज़ाया ना करें, ऐसा समय ख़राब ना करें, किसी का भी हो, अपना या दूसरे का। जिस पर्पज़ से आप यहाँ आ रहे हैं, वो पर्पज़ अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो पर्पज़ कैसे सॉल्व हो उस पर ध्यान दें। इन्हीं की सॉल्व नहीं हो रहा तो नई नई जुगाड़ लगाएं, तरीके लगाएं, जुगत लगाएं, लोगों को पटाएं, उनको पैसे खिलाएं, उनसे अलग अलग तरीकों से उनसे ऑफर रखें, और फिर सोचें कि काम हो जाए। तो ये जो सोच है ये इस शहर को ख़राब कर रही है, कि जुगाड़ से चीज़ें हो जाती होंगी। आप बड़े से बड़े सितारे को ले लें, आप अमिताभ बच्चन साहब को ले लें, आप कुमार गौरव जो हैं उनको ले लें, वो एक बड़े स्टार के पुत्र हैं, तो क्या उनके पापा की जुगाड़े नहीं होंगी? क्या उनके फादर को लोग नहीं जानते होंगे दुनिया में, कि उनको काम ना दिलवा पा रहे हों? अमिताभ बच्चन के सुपुत्र हैं उनको, ये नाम लेना गलत है, लेकिन ये लाइव एग्जांपल्स हैं आपके सामने। आप उनसे ये तो सीख सकते हैं कि यार इनसे ज़्यादा जुगाड़ तो नहीं है हमारे पिताजी की। हुनर है, टैलेंट है, नीयत है, एटीट्यूड है, अगर एटीट्यूड गलत है तो भी नहीं होता काम। तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े सितारे हैं जो अभिनय के मामले में बहुत कमाल हैं, उनका नाम लेना तो गलत हो जाएगा, लेकिन उनका एटीट्यूड गड़बड़ है, इस वजह से उनके पास काम नहीं है, लोग उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो 4-5-6-7 चीज़ें हैं जो मैं मिक्स करके बोल रहा हूँ। मेरा कहने का जो पर्पस है कि आप शॉर्टकट्स ना अपनाएं। आप जुगाड़े लेके आते हैं तो जुगाड़ों का एक लिमिट पे जाके जुगाड़ ख़त्म है, फिर आप ही बचते हैं। तो अपनी चीज़ों को थोड़ा बरकरार रखने के लिए मेहनत करें, लगे रहें चीज़ों में, सीखें पहले, सबसे पहले, और सुने। हम केवल बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं अभी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बोलते बोलते सुनने की कोशिश कर रहा हूं। जो
अभी की तो पीढ़ी कतई नहीं कर रही, वो केवल बोल रही है। उस बोलने में उसका अपना अनुभव कोई शामिल ही नहीं, हर चीज मोबाइल के ऊपर है और उसका सबसे बड़ा सपोर्ट मोबाइल है। उसने अपने घर वालों से सवाल करने बंद कर दिए, अपने मम्मी पापा अपने और रिश्तेदारों से चीजें पूछनी बंद कर दी है। सब चीज मोबाइल से उसे तुरंत मिल जाती है, जो कि रिस्की है। मोबाइल मान लें हम गूगल पर कोई इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो हम उसको वेरीफाई थोड़ी कर रहे हैं कि जो जिसने जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो बिल्कुल सही है। गूगल भी तो अलग अलग वेबसाइट्स के जरिए इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमको, तो कितनी सच है कितनी गलत है वो हमें पता ही नहीं है। बस गूगल पे जो मिला बोल दिया हमने कि ये सच है, वो थोड़ा गड़बड़ है। हर तरह के बच्चे हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो दो चार साल में उस चीज़ों से गुजर के चीज़ें सीखते हैं, लेकिन दो चार साल भी क्यों खराब कर रहे हैं। इतनी मुश्किलातों से अलग अलग चीज़ों को क्रॉस करते हुए अलग अलग लोगों को मनाते हुए यहाँ तक पहुँचे हो तो सही जगह एनर्जी लगाओ, क्या पता आप मतलब अगले अल पचीनो आप ही हो, क्या पता मरलिन ब्रांडो आप ही हो। हम क्यों हॉलीवुड के सितारों के नाम है, हमारे अपने सितारे भी एक से एक नवाज भाई हैं, इरफान खान साहब हैं, तो क्या पता आप उस श्रेणी के कलाकार हो, लेकिन आपने अपने चार साल खराब कर दिए, आप उस श्रेणी से और नीचे आ गए। एटीट्यूड है वो थोड़ा रॉन्ग है आजकल, और जल्दी है सब कुछ पाने की, रातों रात में मिलियन मेरे फॉलोवर्स हो जाए, मेरी एक कोई वीडियो हिट हो जाए, वायरल हो जाए, उसके लिए नंगा पुंगा होना वहाँ बहुत आम बात हो गई, कुछ भी कर लेना, कुछ भी किसी से बोल देना, बड़े उसको सुधारा जाने की कोशिश की जानी चाहिए जिस लेवल पे की जा सके। For Bollywood news update, please subscribe our YouTube channel Bollywood Dangal and please don't forget to press bell icon.